राजू श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। वे 58 वर्ष के थे, 41 दिन से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब राजू श्रीवास्तव 41 दिन पहले ट्रेडमिल पर गिर गए थे, उसके बाद उनकी बॉडी अनकॉन्शियस हो गई थी। वे जवाब नहीं दे पा रहे थे। पिछले 41 दिन में राजू श्रीवास्तव को एक बार भी पूरे तरीके से होश नहीं आया। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अनकॉन्शियस रूप में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसका अस्पताल में निधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पोस्टमार्टम होता है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को उनके भाई के घर भेजा जाएगा, जहां पर आखिरी दर्शन होंगे और गुरुवार सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा।